दोस्तों, घर इंसान की एक बेसिक जरूरत है। दुनिया का चाहे कोई भी इंसान हो, वो ये जरूर चाहता है कि उसके पास अपना एक घर हो, जहां वो चैन की नींद सो सके। यूं तो आपने आज तक बहुत से छोटे बड़े घरों को देखा होगा, जो कि ज्यादातर ईंट, सीमेंट, पत्थर और कंक्रीट से ही बने होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे घरों के बारे में बताने वाले हैं जो कि ईंट, सीमेंट, पत्थर से नहीं बल्कि प्लास्टिक की बोतलों जैसी चीजों से बने हैं। दोस्तों, ऐसे घरों को आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। ग्रीन मैजिक होम्स। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपने आसपास हरियाली देखना बहुत पसंद होता है, और इसी वजह से वो अपने घरों में ढेर सारे पेड़ पौधे उगा देते हैं। लेकिन अब जो घर आप देख रहे हैं उसका नाम है ग्रीन मैजिक होम। ये घर दुनिया के सबसे अजीबोगरीब घरों के लिस्ट में शामिल है। इस घर की सबसे खास बात यह है कि इसे ऐसे तत्वों से बनाया गया है जिससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना हो, और इसके बाद इसे पूरी तरह से पेड़ पौधों से ढक दिया जाता है। और ये पेड़ पौधे नकली नहीं है, असली ही है। ये घर पेड़ पौधों की वजह से इतना ज्यादा ठंडा रहता है कि यहाँ के लोगों को एसी या कूलर की जरूरत भी नहीं पड़ती। और इस घर की एक और खास बात ये भी है कि इसे बनाने के लिए काफी कम खर्चे की जरूरत पड़ती है, और ये घर आपके स्वास्थ्य के लिए भी काफी ज्यादा लाभदायक है। इस घर को बनाने में केवल $15,000 का ही खर्च आता है। हाउस इनसाइड ए रॉक। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि पहले जमाने में आदि मानव पत्थरों को काट कर उनमें गुफा बनाकर रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे लोगों ने गुफाओं को छोड़कर घरों में रहना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी कुछ लोग गुफाओं में रहना पसंद करते हैं, यानी कि पत्थरों से बने घरों में रहना पसंद करते हैं। तभी तो इस घर को बनाया गया है। इस घर को सामने से देखने पर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचेंगे इसे तैयार कैसे किया गया होगा और इस घर में रहता कौन है। वैसे तो भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें चट्टानों को काट कर बनाया गया है, लेकिन हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने पहाड़ी इलाके में चट्टानों को काट कर अजीबोगरीब और बेहतरीन तरीके का घर बनाना सीख लिया है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक बड़ा और सुंदर घर पहाड़ी के चट्टानों को काट कर बनाया गया है। आप इसे मॉडर्न जमाने की गुफा भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। इस घर को बिल्कुल उसी तरह से बनाया गया है जिस तरह से चूहा या सांप जमीन में छेद करके अपना घर बना लेते हैं। पहाड़ के चट्टान बाहर से भले ही कितने भी गर्म क्यों ना हो जाए, लेकिन अंदर से उनका तापमान सामान्य ही रहता है, और इसी वजह से इस घर के अंदर का तापमान भी सामान्य ही रहता है। फ्लोटिंग सी हॉर्सेस। तो आपने आज तक पानी में तैरते हुए जहाजों को तो कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने आज तक पानी में तैरते हुए घर को देखा है? तो इंसानों ने समुद्र में घर बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सामने आया ये अजीबोगरीब घर, जिसे फ्लोटिंग सी हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी के बीचों बीच तैरता एक घर दिखाई दे रहा है, जो एक छोटे जहाज की तरह दिख रहा है। इस घर की सबसे खास बात यह है कि इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर कभी भी समुद्र का जल स्तर बढ़ता है या फिर घटता है, तो ये घर अपने आप को वाटर लेवल के हिसाब से ऊपर नीचे कर लेगा। अजीबोगरीब दिखने वाले इस घर में लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, किचन सब कुछ है, और इस घर के ऊपर धूप सेकने के लिए भी एक बहुत अच्छी जगह बनाई गई है। और जब भी आपको स्विमिंग करनी हो तो आपको बस घर की खिड़की या दरवाजा खोलना है और छलांग लगा देनी है। घर के निचले हिस्से में एक एक्वेरियम भी बनाया गया है, जिससे आप समुद्र के अंदर खूबसूरत नजारे को देख सकते हैं। यही इस घर की सबसे बड़ी खास बात है, क्योंकि इस घर के बेसमेंट में जाकर आप समुद्र के जीवों को बहुत करीब से महसूस कर सकते हैं। और आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि यदि आपको अपने पड़ोसी के पास जाना हो तो आपको कार, बस, स्कूटर या बाइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने पूरे घर को अपने साथ ले जा सकते हैं और अपने पड़ोसी के पास जा सकते हैं। इस घर को सबसे पहले 2015 में पेश किया गया था और इसकी कीमत लगभग $3 मिलियन यानी करीब 22 करोड़ रुपए बताई गई थी। कैटरपिलर हाउस। जब आप किसी शहर से किसी गांव में जाएंगे तो आपको वहां पर तरह तरह के मकान दिखाई देंगे, कुछ लकड़ियों से बने हुए तो कुछ घास फूस और तिनके से बने हुए, कुछ मकान मिट्टी के होंगे तो कुछ टीन शेड के बने होंगे। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे दुनिया के सबसे अजीब घरों में से एक,
शिपिंग कंटेनर से बनाया गया घर। अगर आप शिपिंग कंटेनर को नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि इसके अंदर सामान को भरकर एक देश से दूसरे देश में इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है। हाल ही में एक इंजीनियर ने एक शिपिंग कंटेनर को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके कई कमरों का होटल बना दिया, जो कि बिल्कुल एक पहाड़ की चोटी पर है। उसने शिपिंग कंटेनर को इस तरह से डिजाइन किया है कि उसमें खिड़की, दरवाजे, हर एक चीज मौजूद है और अंदर से वो बिल्कुल हाई क्वालिटी रूम जैसा दिखाई देता है। और इस घर की सबसे अच्छी खास बात यह है कि यदि पहाड़ों पर कभी भी भूकंप या कोई खतरा आता है तो इस कंटेनर के अंदर रहने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिपिंग कंटेनर से बनाए जाने वाले इस घर का खर्चा बहुत ही कम होता है। जो लोग पहाड़ों के पास अपना घर बनाना चाहते हैं, ये घर उनके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। जैक जी आइलैंड। दोस्तों, अब बारी आती है इस लिस्ट के सबसे अजीबोगरीब और सबसे बेहतरीन घर की, जिसका नाम जैक जी आइलैंड है। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि मेक्सिको में समुद्र के पास इस आइलैंड को 100,000 से ज्यादा प्लास्टिक बोतलों से बनाया गया है। सबसे पहले वहां रहने वाले एक शख्स ने लोगों द्वारा फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलों को कलेक्ट करना शुरू किया और इन प्लास्टिक की बोतलों को एक दूसरे के साथ बेहद मजबूती से जोड़कर समुद्र में एक आइलैंड तैयार कर दिया। 100,000 से भी ज्यादा बोतल को एक साथ जोड़ने के बाद यह इतना मजबूत हो गया कि उस पर भारी वजन रखने के बाद भी वह डूबता नहीं था, जिसके बाद उस शख्स ने उस मैनमेड आइसलैंड के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर ली। लेकिन अफसोस, आज से लगभग 20 साल पहले समुद्र में एक छोटा सा तूफान आ गया और वो इस आइलैंड को पूरी तरह से तहस नहस कर गया। इस शख्स को ऐसा करने में बहुत ही मजा आता था। उसने फिर से एक आइलैंड बनाया और पहले बार से बहुत ज्यादा मजबूत बेस वाला घर तैयार किया। लेकिन फिर से साल 2011 में एक बार फिर तूफान आया और इस आइलैंड को तबाह कर दिया। लेकिन शख्स ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। इस बार उसने और भी मजबूती से इसे बनाने का सोचा और लगभग 1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने एक बेहतरीन आइलैंड बना डाला और इस पर 3 मंजिला एक समुद्र का घर भी बना दिया। ये आइलैंड पूरी तरह से लोगों द्वारा फेंकी गई चीजों के द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन अफसोस, एक बार फिर 2019 में समुद्र में तूफान आया और फिर से उस आइलैंड को तबाह कर गया। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत थी कि उसने फिर से उससे भी सुंदर आइलैंड तैयार कर दिया और आज के समय में मेक्सिको का वो छोटा सा मेन मेड आइलैंड एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे अजीबोगरीब घर। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।